मशीनें होंगी एक मेयर के लिए और एक पार्षद के लिए, दोनों पर कमल का निशान होगा, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तो वोट आपका पड़ा हुआ माना जाएगा, पी आवाज आएगी, तो दोनों ही मशीनों पर कमल के निशान पर मोहर लगाएं। हमारे आप ये खड़ी है पूजा जी, और पूजा जी बहुत सक्रिय है, बहुत मेहनती है, और जब ये काम आपके क्षेत्र में काम कराएंगी खूब जो जरूरत होगी। बाकी हम मैं हूँ, अब उस पार्टी को वोट देना चाहिए जिनके ऊपर भी वो हो सरकार हो। यहाँ पर कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, जो शायद कभी रहे हो कुछ पद पे भ्रमित कर रहे हैं, उनके भ्रम में मत आइए। जिनकी ऊपर सरकार होगी नीचे भी उनका प्रतिनिधि होगा तो काम ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे, वरना आप फिर तड़पते रहिए। कल मैं ढोली खार गया था मंटोले, वहाँ से हमेशा सपा या बसपा जीतती थी, अब वो दिखा रहे थे अपनी गलियाँ। मैंने कहा भाई तुम मुझे तो वोट देते नहीं थे, तो मैं जो ठीक कराऊंगा आप। बोले, मैंने कहा यहाँ से आपके पार्षद कौन थे? बोले बसपा और सपा के रहे। तो मैंने कहा उनको उनसे पूछो ना क्यों नहीं हुई। मैंने कहा आप हमारा चुपके भेजिए, मैं दावा करता हूँ कि 4 महीने के अंदर गलियाँ ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो वो बोले कि ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि हम आपका कैंडिडेट जिताएंगे। यही अनुरोध आपसे करना है, आप भी जनता को ये बताइए कि नीचे जो ऊपर सरकार है लखनऊ में, जो दिल्ली में सरकार है, वही नीचे सरकार बने, तब विकास तेजी से होगा। वैसे भी जब से भाजपा आई है आपको विकास दिख रहा होगा। मैं महिलाओं से आप बात करिए, भले ही जाटव महिलाओं से भी बात करिए कि तुमको राशन कौन ने दिया फ्री में? गरीब घरों में 2 टाइम महीने में राशन मिल रहा है, किसने दिया? मोदी और योगी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, कमल के फूल वाली सरकार ने। अगर ये चली गई तो राशन फ्री बंटना भी बंद हो जाए।
तो ये सब समझाएंगे तो लोग हमको वोट देंगे। वोट दिलवाना है, देना है, खुद देना है, घर के दिलवाने हैं, पड़ोसी के दिलवाने हैं, रिश्तेदार भी दिलवाने हैं, तब जीत होगी। ये अनुरोध करने आया हूँ। Oh, my God.